हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं श्वेता और फ्रेंड्स आज मैं लेकर आई हूं बहुत ही ज़्यादा टेस्टी डिलीशियस किड्स फेवरेट रेसिपी। फ्रेंड्स ये किड्स को ही नहीं बड़ों को भी बहुत ज़्यादा पसंद आती है। तो फ्रेंड्स आज हम बनाने वाले हैं चीज़ गार्लिक ब्रेड विद इन 5 मिनट्स, वो भी पैन में। तो चलिए फ्रेंड्स लेट्स गेट स्टार्टेड। तो इसके लिए हमने लिया है एक पैन जिसमें मैं मेल्ट करूँगी बटर को। तो इसमें मैंने डाला है 1 टेबल स्पून के बराबर बटर। अब हम एक तरफ से ब्रेड को टोस्ट करेंगे। तो मैंने लिया है सैंडविच ब्रेड, तो इसे एक तरफ से ही हमें टोस्ट करना है, लाइट ब्राउन कलर का करना है। तो फ्रेंड्स इसे मीडियम टू हाई फ्लेम पर हम कुक करेंगे। तो जस्ट 1 मिनट में ये टोस्ट हो जाता है। अब मैं इसे एक प्लेट में निकाल लेती हूँ। तो इसी तरह से मैंने दूसरा स्लाइस भी टोस्ट कर लिया है एक तरफ से बटर डालकर। तो इस तरह का कलर होना चाहिए, बिल्कुल क्रिस्पी। अब मैं इसी पैन में डालूंगी 2 टेबलस्पून के बराबर बटर। तो अब हम तैयार करने वाले हैं गार्लिक बटर। अब मैं इसमें डालूंगी 6 से 7 लहसुन यानी गार्लिक, क्रश किया हुआ ले सकते हैं, ये मैंने इसमें फाइनली चॉप किया हुआ डाला है। और इसे हम हल्का सा सॉटे करेंगे मीडियम फ्लेम पर, ओवर कुक नहीं करना है। तो इसे हम जस्ट 30 सेकेंड के लिए कुक करेंगे। और मैंने इसे एक बोल में निकाल लिया है और इसमें कोरिएंडर लीव्स ऐड किया है, फाइनली चॉप किया हुआ धनिया पत्ता। इस तरह से आप ज़्यादा बनाकर स्टोर करके रख सकते हैं। जब भी आपको गार्लिक ब्रेड खाने का मन हो आप फ्रिज में से निकाल के बटर को और इसी तरह से टोस्ट कर सकते हैं। अब हम इसे स्प्रेड करेंगे टोस्ट के ऊपर, जो कुक किया हुआ जो पोर्शन है उसी में हमें स्प्रेड करना है गार्लिक बटर। तो इस तरह से मैं दोनों स्लाइस में स्प्रेड कर दूंगी। अब मैं इसके ऊपर स्प्रेड करूंगी मोज़रेला चीज़, जो बच्चों के लिए भी बहुत ज़्यादा हेल्दी है। बच्चों को इसे ज़रूर देना चाहिए और उन्हें भी बहुत ज़्यादा ये पसंद है। तो जितनी क्वांटिटी में आप डालना चाहे डाल सकते हैं, बहुत ज़्यादा चीज़ी करना है तो आप इसमें भर के स्प्रेड कर सकते हैं। तो इस तरह से मैं दोनों स्लाइस में डाल दूंगी। अब मैं इसमें स्प्रेड करूंगी कोरिएंडर लीव्स यानी धनिया पत्ता बारीक कटा हुआ दोनों स्लाइस में, और साथ में चिली फ्लेक्स ऐड करना है। तो बच्चों के हिसाब से आप डालिएगा कम या ज़्यादा, जैसा जिनको पसंद है। तो मैं इसमें स्प्रिंकल कर दूंगी चिली फ्लेक्स। अब इसमें मैंने ऐड किया है मिक्स्ड हर्ब, तो ये इजीली अवेलेबल है मार्केट में। इस तरह से हल्का सा स्प्रिंकल कर देंगे। तो इसे दो तरीके से आप बना सकते हैं मोज़रेला चीज़ में। आप चाहे तो पहले से कोरिएंडर लीव्स यानी धनिया पत्ता, चिली फ्लेक्स और हर्ब्स पहले से मिक्स करके डाल सकते हैं। तो अब मैंने लिया है एक पैन और जिस तरफ से हमारा सिका हुआ नहीं था उस तरफ मैंने बटर डालकर सेक लूँगी। इसे ढककर 2 से 3 मिनट में ये पककर तैयार हो जाएगा फ्रेंड्स। तो बस इसे ढककर पकाना है, तो जो चीज़ है बहुत ही अच्छे से मेल्ट हो जाता है विद इन 2 to 3 मिनट्स में, और ये अच्छे से बिल्कुल टोस्ट हो जाता है। तो अब मैं इसे निकाल लेती हूँ एक प्लेट में और दोनों स्लाइस को मैंने इसी तरह से ढककर पका लिया है। तो बहुत ही ज़्यादा यमी बनता है फ्रेंड्स। इस तरह से आप सर्व कीजिए बच्चों को, बड़ों को, और मैं कट करके दिखाती हूँ। तो बहुत ही ज़्यादा यमी बना है। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। तो फ्रेंड्स डू सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन, ताकि मेरा लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले जब भी मैं अपलोड करूँ। तो फ्रेंड्स मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए टाटा एंड बाय बाय।